मैग्निफिकेशन दो किस्म का होता है, एक होता है लेटरल मैग्निफिकेशन, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। मैं आपको पढ़ाने वाला हूं लेटरल मैग्निफिकेशन क्या है, ठीक है। लेटरल मैग्निफिकेशन मतलब कोई बॉडी, अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे खड़ा है तो उसका इमेज कितना बड़ा दिखेगा या छोटा दिखेगा, ये हो गया लेटरल मैग्निफिकेशन। कोई आदमी अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे सोया हुआ है, जैसे लास्ट क्लास हम लोग एक न्यूमेरिकल किए थे, एक डंडा रखा हुआ है ना, तो उसको हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। तो क्या, तो आपको क्लास 12 तक लेटरल मैग्निफिकेशन ही आएगा, जेई के लिए जेई होता है लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन, इसको नाम देते हैं एम, ठीक है, नाम देते हैं एम, ऐसा है। अच्छा क्या है, तो लेटरल मैग्निफिकेशन आपकी बुक में खाली मैग्निफिकेशन मिलेगा क्लास 9 में जब भी होगा, लेटरल हम बात कर रहे हैं अभी लेटरल मैग्निफिकेशन का, गुड नाइट। मैग्निफिकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब एम क्या हो गया हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो। देखो भाई लोग, मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, क्लास 12 का खत्म हो रहा है, सीधा सीधा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, अगर इससे कम ही पढ़ना है 12 में। अब मेरा काम है इसको डायल्यूट कर करके 12 का जितना सारा हिस्सा आप समझ सकते हो वो सारा खिला दूंगा। कौन बच जाएगा, जो हार्ड नोट्स है, हार्ड नोट्स आर ओनली 30% 70% कोर्स हो जाएगा एक मिनट में। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 11 12 में कुछ चीजें हैं जिसमें कि वेक्टर और कैलकुलस, कैलकुलस मतलब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये सब यूज होता है, उसको यूज करने वाला जो चैप्टर से या फिर न्यूमेरिकल से वो थ्योरी है वो पूरा 11 12 का 30% है। 70% तो तुम जैसे होनहार बच्चे समझ सकते हैं। मेरा काम है 3 साल में ये सब खत्म कर देना, 70% खत्म, कितना बढ़िया है। हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक मिरर रखा है, यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है और इसका मान लो कि हाइट है एच ओ, यहाँ पर उसका इमेज बना कॉल इट एच आई, तो आपका जो मैग्निफिकेशन है वो क्या बनेगा, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बस यही। इसको निकालने की कोशिश करते हैं, डेरिवेशन एम। सपोज हियर इज अ मिरर और हियर इज अ ऑब्जेक्ट, ठीक है, मान लो कि इसका इमेज यहां पे बना, ये हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हो गया हाइट ऑफ इमेज। आप इसको कहो कि ओ ओ डैश, ये आई आई डैश, ठीक है, ये पोल है, ये पोल है, तो हमें ऐसा करके चीज मिला। हम जानते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट से कोई रे पोल पे गिरेगा दैट विल बी यूजिंग प्रिंसिपल एक्सिस एज द नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और इमेज ऐसे बनेगा, यह हमें मालूम। और हमें यह भी मालूम है कि ये एंगल बराबर है, ये एंगल बराबर है, पक्का ये एंगल बराबर होगा। एंगल थ्योरम बाय ए ए ए थ्योरम, आप होगी ओ ओ डैश पी ट्रायंगल एंड
साइडस पी ट्रेंगल आर सिमिलर। हाँ ये तो सही है। तो हम कहेंगे आई आई डैश बाय दिस बाय दिस ओ ओ डैश इज इक्वल टू दिस बाय दिस पी आई बाय पी ओ। लेकिन लेकिन हमें तो साइन कन्वेंशन मालूम है और बढ़िया से मालूम है। हम जानते हैं कि ये डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ये डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हियर व्हाट इज पी आई डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल इधर को तो माइनस वी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इधर को है माइनस यू, आई आई डैश इज हाइट ऑफ द इमेज नीचे को है माइनस एच आई, माइनस एच आई एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस एच ओ। सबका वैल्यू डालें तो क्या मिला, माइनस एच आई बाय एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाय माइनस यू, मतलब मिला एच आई बाय एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाय यू। बट व्हाट इज दिस क्वालिटी m, so the magnification is given by minus v by u, magnification is given by minus v by u for a spherical mirror. We know that one by v plus one by u is equal to one by f, मतलब 1 by v is equal to 1 by f minus 1 by u, that is u minus f by uf, तो v हो गया uf by u minus f, so m क्या हुआ minus v by u, v by u होता है f by u minus f, और minus v by u मतलब f minus u, m का एक नया फॉर्मूला निकल के आया। अगर आपको f और u मालूम है यू नो मैग्निफिकेशन, ठीक है। अगेन आप कहोगे कि 1 by u इज इक्वल टू 1 by f minus 1 by v और that is equal to v minus f by fb, तो u is equal to fb by v minus f, तो v by u m निकालेंगे, m u को इधर ले आओ बाकी सब इधर ले आओ, v by u is coming out to be v minus f by f, v minus f by f, लेकिन हमें तो चाहिए minus v by u, तो ये हो गया minus v प्लस एफ, मतलब एफ माइनस बी। तो इतना लंबा चौड़ा डिस्कशन से हमें पता चला एम इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू दूसरा था एफ बाय f माइनस u, तीसरा था f माइनस v बाय f, ऐसे करके सारा फॉर्मूला हमारे सामने आ गए। अगर आपको f और u मालूम है आप m निकाल सकते हो, अगर ऑब्जेक्ट का हाइट दिया है उसमें से इमेज का साइज बता सकते हो, ऐसे करके चीजें निकल जाएंगे। अब ये जो मैग्निफिकेशन हम लोग निकाले इसका मतलब क्या है, मतलब को समझाने के लिए मुझे बहुत डिटेल्स में लिखना पड़ेगा, तो बिफोर दैट मैं इसका फोटो भेज देता हूं और सारा चीज को ओमिट कर दूंगा, ठीक है। सर वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है सर। यस सर।
तुम्हारा बेस में क्यों क्लियर नहीं आता है? चलो इसको देखते हैं क्या मतलब बनता है। हमने अभी देख लिए कि जो m है इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। अच्छा, m अगर पॉजिटिव है तो फॉर ए रियल ऑब्जेक्ट, अगर m पॉजिटिव है इसको a से लिखेंगे, फॉर ए रियल ऑब्जेक्ट If m is positive, positive मतलब h i by h o positive है। आप जानते हो कि height of the object is always taken positive, तो h o अगर always positive है तो m positive होने के लिए h i भी positive होना चाहिए, h i positive होना चाहिए। means image is erect। और क्या, m positive है मतलब ये क्वांटिटी भी तो पॉजिटिव है, लेकिन रियल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, रियल ऑब्जेक्ट मतलब यू इज नेगेटिव क्योंकि मिरर के सामने यू नेगेटिव है और ये पूरा चीज पॉजिटिव है। सोचो भी क्या होना चाहिए, पूरा चीज पॉजिटिव होने के लिए हमारा जो भी बाई यू है ये नेगेटिव होना जरूरी है। अगर v by u नेगेटिव हुआ तो माइनस v by u क्या होगा, पॉजिटिव होगा। v by u नेगेटिव कब होगा, u नेगेटिव है, v by u नेगेटिव कब होगा, जब v पॉजिटिव होगा। मतलब कौन सा इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज। तो इसका मतलब हुआ हर वर्चुअल इमेज इरेक्ट होगा, वर्चुअल इमेज। v पॉजिटिव का मतलब हुआ वर्चुअल इमेज। इफ एम इज नेगेटिव मतलब क्या हो, एच ओ तो हरदम पॉजिटिव है, एम नेगेटिव कैसे होगा, जब एच आई नेगेटिव होगा, एच आई नेगेटिव होगा मतलब इमेज इज इरेक्ट और इनवर्टेड। ऑब्वियसली यू विल से इमेज इज इनवर्टेड। और क्या, m नेगेटिव है मतलब यहां पर जो ये क्वांटिटी है ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, लेकिन u तो नेगेटिव है, u नेगेटिव होने के बावजूद ये पॉजिटिव होगा मतलब v इज नेगेटिव। नेगेटिव मतलब इमेज इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर मतलब रियल इमेज। तो समझ में ये आया कि ऑल रियल इमेजेस आर इनवर्टेड और वर्चुअल इमेजेस आर इरेक्ट। फॉर ए कॉन्वेक्स मिरर, फॉर ए कॉन्वेक्स मिरर में जब हम किसी एक कॉन्वेक्स मिरर के सामने कोई एक ऑब्जेक्ट रखते थे तो ये था f, ये था c, ये था प्लस इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी। आपको याद होगा रीजन वन रीजन टू वाला कहानी, मतलब अभी ये रीजन वन में है तो इमेज रीजन टू में बनेगा, इमेज रीजन टू में बनेगा और इमेज का रीजन छोटा है, ऑब्जेक्ट का रीजन बड़ा है, ऑब्जेक्ट का रीजन बड़ा है, इमेज का रीजन छोटा है, इमेज का रीजन छोटा है मतलब इमेज छोटा होगा। सो फॉर कॉन्वेक्स मिरर जो इमेज होता है वो वर्चुअल होता है, छोटा होता है, वर्चुअल मतलब इरेक्ट होता है, वर्चुअल मतलब इरेक्ट होता है। तो क्या लिखेंगे, फॉर ए कॉन्वेक्स मिरर, फॉर यहां पे कंटिन्यू करते हैं, द इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल
वर्चुअल है, वर्चुअल है मतलब m क्या आएगा, m आएगा पॉजिटिव, सो m इज पॉजिटिव एंड m इज लेस देन 1। समझ में आया क्या? हम बात कर रहे हैं कौन से केस का, फॉर ए रियल ऑब्जेक्ट, फॉर ए कॉन्वेक्स मिरर विथ रियल ऑब्जेक्ट, फॉर ए कॉन्वेक्स मिरर विथ रियल ऑब्जेक्ट द इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड। तो आप क्या कहोगे, एम का वैल्यू पॉजिटिव है और लेस देन 1 है। फॉर ए कॉन्केव मिरर विथ रियल ऑब्जेक्ट, फॉर ए कॉन्केव मिरर विथ रियल ऑब्जेक्ट मतलब यू नेगेटिव है। क्या कहेंगे, फॉर ए कॉन्केव मिरर विथ रियल ऑब्जेक्ट अगर मैग्निफाइड इमेज बनाना है, सपोज ये हुआ कॉन्केव मिरर, ये हुआ उसका पोल, ये एफ ये सी, अगर ऑब्जेक्ट रीजन, ये रीजन 1 है, ये रीजन 2 है, ये रीजन 3 था, ये रीजन 4 था, है ना, कॉन्केव मिरर है। मैग्निफाइड इमेज कब बनेगा, मैग्निफाइड इमेज बनेगा जब ऑब्जेक्ट रीजन 2 में रहेगा, मैग्निफाइड इमेज इन रीजन 1, जिसका रीजन बड़ा है उसका साइज बड़ा है। अगर इमेज रीजन 1 में रहेगा, ऑब्जेक्ट रीजन 2 में रहेगा, तो इमेज का रीजन बड़ा है तो मैग्निफाइड इमेज बनेगा। कौन सा इमेज बनेगा, रियल की वर्चुअल, रियल। अगर ऑब्जेक्ट रीजन 3 में रहा तो इमेज बनेगा रीजन 4 में, ये भी बड़ा है, मतलब यहां पे भी आपको मैग्निफाइड इमेज मिलेगा। तो क्या लिखेंगे, फॉर ए कॉन्केव मिरर विथ रियल ऑब्जेक्ट मैग्निफाइड इमेज इज फॉर्म फॉर टू पोजिशंस ऑफ ऑब्जेक्ट that is between C and F and between F and P, F और P के बीच में रहेगा तभी मैग्निफाइड इमेज बनेगा। When object is between C and F, image is real, image real होगा, implies m will be taken negative। When object is between f and p, image is virtual, implies f का वैल्यू क्या होगा, virtual इमेज कब होता है, जब m पॉजिटिव है। समझ में आया, ध्यान से देखना, अगर कोई कॉन्केव मिरर में डबल साइज का इमेज चाहिए तो m का वैल्यू प्लस 2 लेके एक बार वैल्यू निकालना है, माइनस 2 लेके एक बार वैल्यू निकालना है। ठीक है, थोड़ा देख लो इसको। मैं अभी ये बोलना चाहता हूं कि अगर कोई कॉन्केव मिरर में हमें बनाना है कि एक डिमिनिश्ड इमेज, द डिमिनिश्ड इमेज इन ए कॉन्केव मिरर फॉर ए रियल ऑब्जेक्ट, बिट बी में क्या लिखेंगे, फॉर ए रियल ऑब्जेक्ट, बात कर रहे हैं किसका, कॉन्केव मिरर का, फॉर ए रियल ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर द डिमिनिश्ड इमेज
इज ऑलवेज रियल। सो एम क्या लेंगे, एम अगर रियल हो गया एम इज नेगेटिव। समझ में आया क्या, समझ में आ गया क्या? इतना चीज, यस, इतना चीज।